स्वामी जी आगे का जो प्रश्न है वह भी व्यवस्था के बारे में का है, यानी आपका सब कार्यक्रम पूर्व निश्चित क्यों होता है और समय पर किया हुआ बदलाव आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? कभी नर्मदा किनारे आप गए होंगे? तो जो मल्लाह रहता है ना, वो नौका को पहले एक जगह खड़े करता है और उसमें वो अपने इच्छा अनुसार लोगों को बिठाता है। तुम दो आगे बैठो, दो बीच में बैठो, दो और बीच में बैठो, फिर दो इधर बैठो। माने नौका में आदमी कहाँ बिठाने के और कैसे बिठाने के वो खुद तय करता है। नौका शुरू करने के पहले, नौका चालू करने के पहले नौका को पूर्णतः बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है, कहीं पर जाके इनबैलेंस होकर वो नौका डूब नहीं जाए। और ऐसा नौका में सबको बिठाने के बाद में फिर धीरे धीरे वो नौका स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट करके जब वो किसी पहाड़ के पास से गुजरता रहता है, उतने में कोई दो आदमी दौड़ते दौड़ते आए और धम से वो कूदे नौका में, तो क्या होगा नौका का हाल? मतलब वो दोनों तो डूबेंगे, वो बाकी के लोगों को भी ले डूबेंगे। तो वैसा प्रकार रहता है। ये सब जो कार्यक्रम है ना, ये एनर्जी के साथ संबंधित है, वाइब्रेशंस के साथ संबंधित है, चैतन्य के साथ संबंधित है। तो इसको भी बहुत व्यवस्थित तरीके से सुचालित करना पड़ता है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन पूरा निश्चित रहता है। वो निश्चित करके एक बैलेंस किया जाता है, एक संतुलन किया जाता है। और संतुलन करने वाले फिर वो नाव को शुरुआत होती है। दूसरा आज एक रहस्य बताता हूँ। आपको लगता है कि ये कार्यक्रम यहाँ आने से शुरू होता है, लेकिन ये गलत है। ये कार्यक्रम आप फॉर्म भरते हो ना तभी से शुरू हो जाते हैं। और जब घर से निकलते हो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कितनी छटपटाहट होती है, जाने की इच्छा रहती है, फिर भी इन टाइम पे कोई तो भी आके धमकता है, कुछ ना कुछ घटना होती है, कुछ ना कुछ बहुत सारे आते हैं। ये सब पार करके, ये सब परीक्षाएं रहती है अपनी, ये सब करके अपने को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पहुँचना एकदम आसान नहीं है, एकदम कठिन नहीं है। इसीलिए ये सब का संतुलन व्यवस्थित रहे, इसलिए इस प्रकार से एक मल्ला प्रयत्न करता है कि नाव को व्यवस्थित रूप से बैलेंस करके संतुलित करके फिर वो चलाए। हाँ, दूसरा बदलाव सहन करता है ना, वो कौन से करता है? नदी का प्रवाह जो उसके हाथ में नहीं है, पानी का प्रेशर जो उसके हाथ में नहीं है। अब जैसे आसाम के अंदर तो कई नाव में मैंने ऐसा प्रवास किया है जिस नाव में बैठते समय ये नाव किस किनारे पे जाएगी वो नाविक नहीं बताता था। नाविक बोलता था इसमें बैठ जाओ, ये जहाँ पानी का बहाव रहेगा वहाँ छोड़ दूंगा। मैंने एक शहर है डिब्रूगढ़ करके आसाम में, तो वो डिब्रूगढ़ यहाँ बीच में, तो कभी प्रवाह इधर से बहता था तो शहर के इस कोने में छोड़ देता था, कभी प्रवाह इधर से बहता था तो इस कोने में छोड़ देता। मतलब वो डिब्रूगढ़ छोड़ देगा, वो कौन से साइड छोड़ेगा उसका उसको ही पता नहीं रहता था। जैसे प्रवाह रहेगा वैसे वो बहेगा, तो उस प्रवाह को तो उसको मानना ही पड़ता है। तो वैसे कई चेंज, कई बदलाव जो नेचर में आते हैं वो तो सब सहन करना ही पड़ते हैं, उसके साथ तो बदलना ही पड़ता है। लेकिन प्रयत्न रहता है, प्रयास रहता है कि हमारी गलती से उस नाव को बैलेंस न खोए। इसलिए कुछ बदलाव है जो हम रोक सकते हैं उनको हम रोकने का कोशिश करते हैं, जो बदलाव है जो हमारे हाथ में नहीं रोक सकते तो उसके लिए हम खुद बदलते हैं, उसके साथ बदलते हैं और उसके साथ चलते हैं। तो ये दोनों करना पड़ता है, ये नहीं वो नहीं वो, लेकिन जो अपने हाथ में उतना तो करने का प्रयास करो। और दूसरा ऐसे करेंगे, सारा उद्देश्य क्या है, अंतिम अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा परिणाम मिले। तो उस परिणाम की तरफ देखो ना, किस तरीके से लेके जा रहा हूँ, क्या करके जा रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, उधर ध्यान मत दो। कई बार मैं बोलता हूँ, कई मैं बातें बताता हूँ, तुम उसका प्रश्न पूछोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों वो मेरे को ही नहीं मालूम, मैं तुमको क्या बताऊँ। वो सिर्फ आगे उतना दिन बिताओगे तो तुमको दिख जाएगा ऐसा क्यों कहा था। तो वो क्यों का उत्तर नहीं रहता है, उस समय ऐसा लगा, जो लगा वो बताया, उसका परिणाम बाद में देखो। तो परिणाम को देखने के बाद भी तुमको उसका रहस्य मालूम हुआ, उस समय ऐसा क्यों कहा था, तो उसको का उत्तर नहीं रहता है।